जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी आप सामने देख सकते हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, तो आप लोग देख सकते हैं बढ़िया तरीके से सजा दिया गया है। पूज्य सरकार जो गुजरात गांधीधाम कच्छ में जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम था, 5 दिवसीय श्रीमद् हनुमंत कथा थी, समाप्त हो चुकी है और अभी पूज्य सरकार धाम पर आने वाले हैं। धाम पर होने वाली हैं भव्य तैयारियां, क्योंकि लगेगा अब दरबार लगने से पहले भीड़ भाड़ आनी स्टार्ट हो चुकी है और अब केवल और केवल 2 दिवसीय जो यात्रा पर रहेंगे पूज्य सरकार, फिर उसके बाद दरबार लगेगा लगातार 3 दिवसीय, 3, 4, 5। कुछ भक्तों को अभी भी मालूम नहीं है कि दरबार कब लगेगा। 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक पूज्य सरकार धाम पर ही रहेंगे, तो इसलिए जो भी भक्त आना चाहते हैं तो आप लोग आ जाइएगा। कमेंट में भी पूछते हैं कुछ भक्त धाम पर कब रहेंगे, कब पर्चा बनेगा, तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ आने वाले दिसंबर माह में, आज जो 30 नवंबर है और 2 दिन केवल शेष बचे हुए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग गुरुदेव आने वाले हैं, तो धाम का नज़ारा देख लीजिए। धाम का दृश्य आप लोगों को इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पानी वगैरह यहाँ पर गिर चुका है, क्योंकि जो रात्रि काल में पानी गिरने के कारण भक्त लोग जो बाहर थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो बाहर से आए थे उनके लिए दरबार हॉल खोल दिया गया और दरबार हॉल के अंदर वो चले गए, तो देख सकते हैं आप लोग धाम का दृश्य इस प्रकार दिखाई पड़ता है। जो कार्य वगैरह यहाँ पर रोड वगैरह डल रही है, क्योंकि परिक्रमा करने वालों को बहुत ही बड़ी समस्या होती थी, बहुत ही बड़ी परेशानी होती थी, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो गुरुजी द्वारा रोड वगैरह डलवा दिया गया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोड डल गया है, अब कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी भक्त को दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, परिक्रमा मार्ग का भी थोड़ा दृश्य दिखला देते हैं। और वहाँ पर सुना है थोड़ा पेड़ वगैरह भी लगने लगे हैं, बीच बीच में सुंदर डिजाइन बनने लगी है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं वहाँ पर डिजाइन वगैरह बन रही है या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोगों को मंदिर के बाहर आपको ये महिलाएं आपको नज़र आ जाएंगी, जो भी कुछ लेना हो फूल वगैरह आप ले सकते हैं। देख सकते हैं पेड़ वगैरह जा रहे हैं और पेड़ वगैरह यहाँ पर सुंदरता के लिए लगाए जा रहे हैं, तो देख ही सकते हैं आप लोग जो परिक्रमा मार्ग के बीच में जगह छिकी हुई थी, जो इसके बीच में लगाए जा रहे हैं बड़े आसानी से देख सकते हैं आप लोग। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में आपका आप काफ़ी जानकारी देंगे, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी अब चलते हैं सीधे दरबार हॉल की तरफ, वहाँ पर लगेगा चमत्कारी दिव्य दरबार 3 दिवसीय, वहाँ का हाल आपको दिखाते हैं और साथ साथ में जो आगामी कथा का जानकारी है देते चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम दरबार जो राम दरबार है यहाँ पर बहुत ही वितरण होती है, इसी की जस्ट नीचे खड़े हुए हैं, यहीं पर बहुत ही वितरण होती है, आप कभी भी आइएगा तो यहीं से बहुत प्राप्त करिएगा, तो बहुत ही प्राप्त ज़रूर करिएगा। तो देख सकते हैं अभी परिक्रमा मार्ग में खड़े हुए हैं, तो सीधे इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे हम जो दरबार हॉल की तरफ, वहीं पर अन्नपूर्णा माई हैं जो कि निरंतर चलती रहती है बालाजी कृपा से, बालाजी कृपा ऐसी करते हैं वहाँ पर कभी भी जो भक्त आते हैं भूखा नहीं जा सकें, तो इसके चलते यहाँ पर गुरुदेव द्वारा जो रसोई जो भंडारा बोलते हैं, भंडारा कभी बंद नहीं होता है। बागेश्वर धाम में बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा सदैव बनी रहती है, तो देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग का इस प्रकार दृश्य। दुकान वगैरह थोड़ी आपको खुली दिखेंगी, ज़्यादातर बंद नहीं मिलेंगी, क्योंकि बारिश है तो आप सभी ने अपने अपने पर्दे वगैरह जो लगा लिए गए। तो चलते हैं धीरे धीरे, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा दरबार हॉल, दरबार हॉल के जस्ट बगल में श्री अन्नपूर्णा मैया जो कि सभी का पेट भरती है और सभी को भोजन प्रसाद यहाँ पर वितरण होता है बड़े आसानी से। आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर भोजन का आनंद एक बार जरूर लें, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बड़ा प्यारा बन, आप लोग भोजन जरूर करिएगा। यहाँ पर कुछ गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं है तो आप लोग अपनी कार वगैरह अंदर ला सकते हैं, और वैसे भीड़ भाड़ रहेगी तो आप लोगों को पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं आ सकती। जब भी गुरुदेव भगवान यहाँ रहते हैं तो पैर रखने के लिए जगह नहीं बचती। आप लोग देख सकते हैं पानी के कारण कुछ भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग अंदर हो गए हैं कुछ, ज़्यादातर भक्त रात में ही अंदर करवा दिया राम दरबार हॉल के अंदर। सामने आप लोगों को राम दरबार दिख रहा है, कुछ जगह जगह पानी भी भरा हुआ है, क्योंकि रात देर तक रात बारिश हो चुकी है बागेश्वर धाम में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट में जो
सन्यासी बाबा और बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी के दर्शन हम ज़रूर करवाएंगे। देख सकते हैं यहीं पर लगता है बागेश्वर बालाजी का दर्शन, आप लोगों को जो दरबार वगैरह लगता है ना यहीं पर लगता है, देख लीजिए आप लोग। कुछ इस प्रकार छाँव की व्यवस्था की है, ये पूज्य सरकार बैठने की सामने व्यवस्था है, यह देख सकते हैं बालाजी का फोटो। तो देख सकते हैं अभी आपको दर्शन करवाएंगे श्री बागेश्वर बालाजी के, तो दर्शन कीजिए आप लोग यहीं से। अंदर वीडियो बनाना ज़्यादा अलाउड नहीं है क्योंकि अंदर नहीं बना सकते, सेवादार वगैरह मना करते हैं, तो आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। पानी का मौसम है तो इसके चलते बहुत ही भीड़ भाड़ आपको कम मिलेगी। सामने देख सकते हैं श्री दादा गुरु जी और बागेश्वर महादेव का दर्शन कीजिए, जो कि निरंतर यहाँ पर जो लाइट वगैरह इनके अंदर नहीं जल सकती क्योंकि अंधेरे में ही रहते हैं बागेश्वर महादेव जी, उनके अंदर लाइट वगैरह सभी फैल हैं, जो भी बल्ब लगाएंगे तो आप लोग यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसके बाहर का दृश्य देख लीजिए, श्रद्धालु बहुत कम मात्रा में दिखेंगे आपको, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम तो नहीं कह सकते, बरसात है, बरसात के मौसम में तो आप लोग देख सकते हैं, बरसात के मौसम में तो ज़्यादातर पानी पानी दिखाई पड़ेगा, मगर ठंड के मौसम में भी देख सकते हैं बरसात ज़्यादा मात्रा में हो रही है। तो आप लोग भी वीडियो कंटिन्यू बने रहिएगा, तो वीडियो को आप लोग पूरे देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। रोहित चालू को लगाएगा।